गाइडेंस बाय YGS। सो आज हम बेसिकली फोकस करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस लॉ के स्टेटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। बेसिकली पार्शियल प्रेशर हमारे पास होता है कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। किसी गैस के मिक्सचर में जो एक इंडिविजुअल गैस जो है वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है वो हमारे पास कहलाता है पार्शियल प्रेशर। अब जैसे फर्ज के तौर पे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एक कंटेनर, ठीक है। अब इस कंटेनर में मेरे पास दो गैसेस मौजूद हैं। एक गैस हो गई मेरे पास ये जो जिसने मैंने ब्लू से मेंशन किया है, और एक गैस मेरे पास हो गई जिसको मैंने ये जिसके पार्टिकल्स को ग्रीन से मेंशन किया है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अब इनका एक टोटल प्रेशर है। अब बेसिकली यहाँ पर जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो ये वाली गैस है ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। इसी तरह ब्लू वाले पार्टिकल्स, ब्लू गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जो हमारे पास जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं बॉल से टकराकर, वो हमारे पास ब्लू वाली गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। सो पार्शियल प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। अब इसकी स्टेटमेंट, डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस, आपको पता है मिक्सचर में तो वैसे ही केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है, इन अ क्लोज वेसल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर। यानी कि ये बात कर रहे हैं अगर एक कंटेनर में हमारे पास जितनी भी गैसेस हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दो गैसेस के बारे में बताया, तो अब ये बेसिकली क्या है कि इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, वो दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ग्रीन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लू गैस, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास टोटल प्रेशर होगा। तो आई होप ये प्रेशर वाली बात आपको, पार्शियल प्रेशर वाली बात आपको समझ में आई हो और स्टेटमेंट समझ में आई हो कि डाल्टन ने क्या बात करी कि हमारे पास टोटल प्रेशर जो होता है वो किसका समअप होता है, वो पार्शियल प्रेशर का समअप होता है, जो कि जितनी भी गैसेस हो, दो हो, तीन हो या चार हो। अच्छा, इसको बेसिकली उसने किस तरीके से नोट किया, उन्होंने एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था कि उन्होंने एक जो है वो तीन कंटेनर लिए अलग अलग, और उन तीन कंटेनर में बेसिकली एक में नाइट्रोजन गैस जिसका जो बेसिकली हमारे पास प्रेशर था वो समझ लीजिए 700 टोर था, और एक ऑक्सीजन जिसका प्रेशर हमारे पास मौजूद था कितना, हमारे पास मौजूद था ये 500 टोर। अब क्या किया, इन दोनों को इन्वर्ट कर दिया किसमें, एक तीसरे खाली वेसल में। और जब बेसिकली हमारे पास ये दोनों यहाँ पर गई, अब जो इन्होंने प्रेशर नोट किया तो प्रेशर बन रहा था 1200 टोर, जो कि बेसिकली इन दोनों का समअप था 700 एंड 500। तो इससे और जो है वो हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि क्या होता है बेसिकली टोटल प्रेशर हमारे पास किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ मिक्सचर। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला या हमारे पास इसकी डेरिवेशन ड्राइव होती है। देखें, अब बेसिकली इसकी डेरिवेशन को करने के लिए हमने एक सपोज किया, जैसे हमारे पास एक कोई कंटेनर है और उसमें दो गैसेस मौजूद हैं, एक को हमने कह लिया गैस ए और एक को कह लिया हमने गैस बी। अब बेसिकली जब हम इसका प्रेशर निकालते हैं तो हम कहते हैं भाई प्रेशर पी ए के हिस्से में आ गया, बेसिकली ये जो प्रेशर हुआ ये ए गैस का है। अच्छा, यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ने एक और बात की थी इन अ क्लोज वेसल। देखिए, जब बात होती है ना इन अ क्लोज वेसल की और कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्लोज वेसल का मतलब ये है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज नहीं हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस उतना ही है। जब वो क्लोज है तो ना हमारे पास गैस के पार्टिकल बाहर जाएंगे ना अंदर आएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस हमारा जो है वो कांस्टेंट है, और एक तरीके से हमारे पास जो है वो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास ये पी वी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस आर टी, ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, जनरल गैस इक्वेशन फॉर गैस ए, ठीक है। और यही चीज फॉर गैस बी हमारे पास हो जाएगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर टी, ठीक है भाई।
अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, बेसिक अगर मैं बात करूं कि ये तो चले इसका पार्शियल प्रेशर है, लेकिन हमारे पास जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? पहले हम इस प्रेशर को जो है वो क्या करते हैं, अकेला करते हैं, पी ए अकेला किया और एन ए आर टी अपॉन वी। इसी तरह ये चीज यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है, एन बी नंबर ऑफ मोल्स आर टी अपॉन वी। हमने कुछ नहीं किया है, बस इस v को यहाँ से उठाकर इज इक्वल टू के इस तरफ लेके गए, जो के इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर हमारे पास डिवाइड हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों के हिस्से में, हम टोटल प्रेशर को भी तो लेकर आए ना, कि टोटल प्रेशर तो इन दोनों को प्लस कर कर ही आएगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी टी वी इज इक्वल टू एन टी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल और आर टी। इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा कि हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल और आर टी, ये तो सब चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। और यही चीज जब इसका प्रेशर निकलेगा तो वो किस तरीके से निकलेगा, वो हमारे पास निकलेगा पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी अपॉन बी और पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी अपॉन बी। तो ये टी बेसिकली हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल प्रेशर को। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा पार्शियल प्रेशर डिवाइड हो जाएगा टोटल प्रेशर के साथ। अगर मैंने इस इक्वेशन का नाम रखा ए और इसका रखा सी, इसी तरह इसका रखा ए सॉरी बी और इसका, जो कि यह हमारे पास सेम ही इक्वेशन है ना, वो तो मैंने एक तरीके से जो है वो सेपरेटली इसको जो है वो प्रोसीड किया है, अदरवाइज ये मेरे पास एक ही इक्वेशन है। तो बहरहाल हम इसको आगे लेकर चलते हैं, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मल्टी डिवाइड इक्वेशन सी बाय ए, ये इसी तरह ही करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सी बाय डी। अब देखिए डिवाइड करने के बाद हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि ये आर टी और वी ये तो हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कांस्टेंट और इसकी कांस्टेंट तो वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रॉस कट हो जाएगी। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा, पी ए ऊपर जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैस, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर भी करते हैं, आपको पता है ये भी हमारे पास सेम है और ये भी हमारे पास सेम है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये इक्वेशन भी क्या बन जाएगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, ये हमारे पास वो इक्वेशन है, याद रखिएगा, जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने जो है वो क्या करना है, एक तरीके से जहन नशीन कर लेना है, यानी कि इसे याद कर लेना है। अच्छा, लेकिन इस चीज को हम और आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, किस तरह, अगर आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा हो, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है, ये बेसिकली होता है किसी भी मिक्सचर में जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल होते हैं किसी का भी, किसी एक गैस का और उसके जो टोटल मोल होते हैं, तो उनका जो रेशियो निकलता है वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे चार कोई सब्सटेंसेस हैं, चार गैसेस हैं, ठीक है, उनके अलग अलग मोल हैं, तो इसके मोल को टोटल मोल के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो इसका मोल फ्रैक्शन बनेगा, इसके मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो वो इसका मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली ये क्या कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा जो है वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन को हम जब आगे लेकर चलते हैं तो हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब आपको पता है कि अगर आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है और उसका आपको मोल फ्रैक्शन मालूम है और टोटल प्रेशर मालूम है, तो आप क्या करते हैं, पी ए को एक तरफ रख के मोल फ्रैक्शन के साथ प्रेशर, टोटल प्रेशर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास जो है वो
डॉल्टन्स लॉ के जो है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होते हैं फॉर सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स। यही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे कि पी बी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल वॉल्यूम ऑफ बी। अब क्या होता है जब ये इस तरफ जाएगा तो यही हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। इस तरह करके जो है वो हम क्या करते हैं ये चीजें जो है वो। आई होप कि ये डॉल्टन्स लॉ आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये समझ में आए तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।